भाव से, भेद भाव से नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा नारायण से, तुम्हारे पिता कौन? नारायण ने कह दिया, मेरे पिता भगवान देवाधि देव महादेव है, मेरे पिता शिव है, मेरे पिता भगवान शंकर है, मेरे पिता ओघड़ शिव है। मैं कैसे मानू, मैं कैसे मानू? हम कैसे मान ले कि भगवान शंकर आपके पिता? कैसे मान लो? तब ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और ब्रह्मा विष्णु ने जब पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण किया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हुआ, शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हुई। शिवलिंग की एक आकृति सम्मुख में प्रकट हुई, सम्मुख, और जो शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई उसके चरण शीश का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए। जिसको विश्वास नहीं होता, जिसको भरोसा नहीं होता, वो दुनिया में बहुत ठोकर खाता है। भगवान नारायण को भगवान शंकर के चरण पर भरोसा था, इसलिए नारायण गए जरूर पर वापिस लौट कर आ गए, पर भगवान ब्रह्मा जी को भरोसा नहीं था शंकर जी पे, तो वो जाते गए। और आखिरी में जब गौ माता को लेकर आए उनको श्राप लग गया, केतकी के पुष्प को लेकर आए उसको श्राप लग गया, और ब्रह्मा जी आखिरी में भी इतनी ठोकर खाने के बाद भी ब्रह्मा अपने शब्द को वापिस नहीं ले। जो अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपशब्द बोलने के बाद अपने को श्रेष्ठ समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने अपशब्द कह दिया, मैंने उसके ऊपर उंगली उठा दी, मैंने उसको गाली दे दी, मैंने उसको आड़ा टेढ़ा कह दिया। पर उसमें श्रेष्ठता उसकी नहीं है, श्रेष्ठता उसकी नहीं। अब ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के मन में इतनी ठोकर ब्रह्मा जी ने खा ली, उसके बाद भी ब्रह्मदेव माने नहीं और कह दिया, मैं इस आकाशवाणी को झूठा मानता हूं। शिव सत्य हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदर। अगर आपने शंकर जी की वाणी को व्यासपीठ से सुना है और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो ये निश्चितता है कि वो फल जरूर देगा।